के लोकप्रिय चैनल न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। दिनभर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा वर्मन। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आज की हेडलाइंस। 108 एम्बुलेंस के लिए फोन लगाते रह गए परिजन, ना लगा फोन ना मिला एम्बुलेंस, वृद्ध की हो गई मौत। सेवा परमो धर्म के तहत यही बजरंग दल हिंदू जागरण मंच ग्रसित असहाय लोगों की निस्वार्थ सेवा के लिए आए आगे। जरूरतमंदों की भोजन से लेकर दाह संस्कार तक का लिया जिम्मा। वार्ड नंबर 17 मकतपुर सब्जी मार्केट में गंदगी का अंबार, पाइपलाइन लीकेज होने के कारण हो रही पानी की बर्बादी। यातायात पुलिस ने चलाया वाहन जांच अभियान, पुलिस इंस्पेक्टर के नेतृत्व में वाहनों की जांच की गई। और ईद पर्व को लेकर गांवा थाना परिसर में शांति समिति की बैठक, ईद का नमाज घर में ही करने की अपील। बैठक में उपस्थित हुए कई गणमान्य व सामाजिक लोग। अब खबरें विस्तार से। 108 एम्बुलेंस की सेवा नहीं मिलने से वृद्ध की मौत का मामला सामने आया है। घटना है गांवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की, जहां गांवा थाना क्षेत्र के खोटम नाय निवासी लीलावती देवी, उम्र 68 वर्ष, पति स्वर्गीय मुंशी प्रसाद महतो की मंगलवार शाम 7 बजे गांवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मौत हो गई। उसके परिजन ने बताया कि 108 एम्बुलेंस के नंबर पर लगातार फोन करने पर भी फोन नहीं लगा, जिसके कारण समय पर एम्बुलेंस नहीं मिलने के कारण लीलावती देवी की मौत हो गई। वहीं डॉक्टर काजिम खान ने बताया कि लीलावती देवी का ऑक्सीजन लेवल बहुत कम था, जिसके बाद उसे गांवा कोविड अस्पताल में भर्ती किया गया। इलाज के दौरान कोई सुधार नहीं होने पर 5 बजे ग्रेडी रेफर कर दिया। उसके बाद हम सभी लगातार 108 एम्बुलेंस के लिए फोन लगाने का प्रयास करते रहे, लेकिन समय पर एम्बुलेंस नहीं पहुंची और ना ही निजी वाहन मिल पाया। इस बीच ऑक्सीजन लेवल गिरता गया और उनकी मंगलवार को शाम 7 बजे मौत हो गई। यह घटना इस बात को बताने के लिए काफी है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में गिरिडीह जिले का स्वास्थ्य महकमा की क्या तैयारी है। साल उम्र है, वाइफ ऑफ स्वर्गीय मुंशी प्रसाद यादव, खुद मनाया गांव की है। इनकी मृत्यु कल शाम 7 बजे कोविड सेंटर गांव में हो गई। कोविड टेस्ट जो करवाया गया तो इनका नेगेटिव था, लेकिन इनका जो ऑक्सीजन लेवल है वो यहाँ पे जब एडमिट किए थे तो 73 था, लेकिन उसके फिर दूसरे दिन उनका ऑक्सीजन लेवल गिरते जा रहा था, तो इनको हम लोग रेफर कर दिए थे कोविड सेंटर वहाँ गिरिडीह। लेकिन इनको एम्बुलेंस नहीं मिला, 108 की सुविधा नहीं मिली इनके, उसके बाद फिर इनका डेथ हो गया 7 बजे शाम। सोशल मीडिया के माध्यम से और लोगों के माध्यम से पता चल रहा था कि ऑक्सीजन के अभाव में और एम्बुलेंस के अभाव में एक महिला की मौत हो गई आज सुबह, जो कि यहाँ आने पर पता चला कि कल शाम में हुआ है। तो यहाँ आने पर हम लोगों ने कांग्रेस का एक टीम गठन किया इस प्रखंड अंतर्गत, और हम लोगों ने कोविड हॉस्पिटल जो यहाँ 10 बेड का चल रहा है उसका निरीक्षण किया, जिसमें पाया कि जो भी स्टाफ है वो सारे स्टाफ यहाँ पे मौजूद है और सारे लोग कार्यरत हैं, सारे लोग काम कर रहे हैं। यहाँ अभी 2 पेशेंट जो है ऑक्सीजन की कमी के वजह से एडमिट है, जिनका कोरोना टेस्ट अभी हुआ है लेकिन रिपोर्ट नहीं आया है। लेकिन एम्बुलेंस जो है का अभाव है, एम्बुलेंस जो है वो मुख्यमंत्री विशेष योजना के तहत यहाँ 2015-16 के रीजन में यहाँ मुख्यमंत्री विकास योजना के तहत एक एम्बुलेंस मिला है, जो कि अभी इस कोविड जैसे महामारी में पूर्ण रूप से स्वचालित नहीं है। गाड़ी बताया जा रहा है कि खराब है, उसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ है। मैं इसकी आवाज़ पिछले साल भी उठाया था, लेकिन आज तक किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो मैं जिला प्रशासन और साथ साथ असैनिक शल्य चिकित्सा पदाधिकारी से मांग करना चाहूँगा कि आप मामले को संज्ञान लें
और एम्बुलेंस की व्यवस्था करवाएं, और साथ साथ यहाँ पर जो दो आयुष चिकित्सक अभी कार्यरत हैं, रोस्टर वाइज काम कर रहे हैं, इनके जगह पर एक आध, जैसे अभी बगल के प्रखंड में मैं गया हुआ था, वहाँ मैंने पता किया, वहाँ देखा कि चार चार MBBS डॉक्टर जो है वो कार्यरत है, और हमारे यहाँ सिर्फ एक ही है, सिर्फ प्रभारी महोदय हैं। उनके जगह पर मैं ये कहना चाहूँगा और मांग करना चाहूँगा आप सभी प्रेस बंधुओं के माध्यम से कि यहाँ पर एक एम्बुलेंस की व्यवस्था करवाएं जो सुचारू रूप से चले, और यहाँ पर MBBS डॉक्टर की पदोन्नति करवाएं। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 17 के मकतपुर सब्जी मार्केट में गंदगी का अंबार है। मार्केट के चारों ओर कूड़ा कचरा फैला हुआ है, जिसमें बदबू फैल रही है। जहां एक ओर लोग गंदगी से परेशान हैं, वहीं दूसरी ओर पानी की पाइपलाइन कई दिनों से लीकेज है, जिस वजह से हजारों लीटर पानी यूं ही बर्बाद हो रहा है। सड़क पर पानी बहने के कारण आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बाबत स्थानीय युवक ने बताया कि पूरा शहर कोरोना संक्रमण से त्रस्त है, वहीं नगर निगम व वार्ड पार्षद के उदासीन रवैया के कारण यहां गंदगी का अंबार लगा हुआ है। उन्होंने नगर निगम से कूड़ा कचरा साफ कराने की मांग की है। बता दीजिए, ऐसे बताइए कि जो पानी वाला पाइप गया है, ये जो देख रहे हैं पानी है जो लीकेज, ये करीब एक दो महीना से है, ना इससे प्रशासन का कोई ध्यान है, ना ही स्थानीय लोगों का, और ये गंदगी जो है जो ये भरा हुआ है, क्या बोलते हैं, सप्लाई पानी का, उसका पाइप फटा हुआ है। यहाँ जो देख रहे हैं कूड़ा, ना ही कूड़ा उठता है मार्केट में, ना ये चापाकल है, ये चापाकल भी ख़राब है, और ये जो बना था बोरिंग का जो पाइप वगैरह सारा जो है टूट रखा हुआ है। इसको प्रशासन से हम लोग बोलेंगे कि इसको गंदगी को सफाई किया जाए। ये स्ट्रीट लाइट यहाँ ख़राब है, स्ट्रीट लाइट भी नहीं बनता है कभी, मतलब इस वार्ड में कभी किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। यहाँ वार्ड पार्षद कौन है? यहाँ वार्ड कितना बहुत पड़ेगा, कब से हम लोग, ये आरती देवी, ये दो महीना से, हाँ हाँ, कोई देखने वाला नहीं। सेवा परमो धर्म के तहत विहिप बजरंग दल हिंदू जागरण मंच इस कोरोना संकट के बीच असहाय लोगों की निस्वार्थ सेवा के लिए आगे बढ़कर कार्य कर रहे हैं। गिरिडीह नगर में COVID-19 संक्रमित व्यक्ति के लिए भोजन उन तक पहुंचाने का हिंदू परिषद बजरंग दल हिंदू जागरण मंच के लोगों ने जिम्मा लिया है। कहा गया कि इस संकट के समय यथासंभव मदद करने का प्रयास किया जा रहा है। इस कार्य में सैकड़ों विहिप बजरंग दल हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से लगे हैं। इसके लिए मंच की ओर से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। वहीं विहिप कार्यकर्ता ने ये भी जिम्मेदारी ली है कि जिस कोरोना संक्रमित व्यक्ति का दाह संस्कार व अंत्येष्टि कोई नहीं करता है, तो उस शव का दाह संस्कार पूरे हिंदू रीति रिवाज से सम्पन्न कराया जाएगा। बताया गया कि भोजन कार्यकर्ता के आवास पर ही बन रहा है, साथ ही संक्रमित व्यक्तियों का भोजन डॉक्टर के परामर्श के अनुसार प्रोटीन युक्त भोजन दिया जा रहा है। धरियाडी, मोहली चुआ, अलकापुरी, झरिया गादी, जेपी नगर जगहों पर भोजन बनाने की व्यवस्था की गई है। विश्व परिषद बजरंग दल हिंदू जागरण मंच के द्वारा संक्रमित परिवारों को निःशुल्क भोजन की व्यवस्था संगठन के द्वारा किया जा रहा है। जितने भी संक्रमित जो भी ज़रूरतमंद व्यक्ति हैं, जिन्हें परेशानी हो रही है भोजन के लिए, वो हम संगठन के लोगों से संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर शेयर किया गया है, और कोई भी व्यक्ति जिनको ज़रूरत है वो संपर्क करके कृपया संकोच ना करें, और इस महामारी को दूर करने के लिए सभी का सहयोग बहुत ही जरूरी है। तो कोरोना पॉजिटिव है, कॉन्टैक्ट में है, होम कॉन्टैक्ट में, उनके हम लोगों ने आज भोजन का व्यवस्था करवाया चार व्यक्ति का। और संगठन हमेशा निरंतर समाज के प्रति जागरूक रहता है और रहेगा, और जिन भाइयों को भोजन का व्यवस्था
नहीं हो पा रहा आवश्यक व्यक्ति को, हम लोग सुबह 11 बजे और शाम को नवरात्रि को 8 बजे भोजन की व्यवस्था हम लोग संगठन के द्वारा व्यवस्था करवाएंगे। जिन भाइयों एवं बहनों को भोजन की कष्ट हो वो ये हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टेक्ट करें, उनको हम लोग आके घर में फ्री भोजन का व्यवस्था कराएंगे। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए जारी आंशिक लॉकडाउन के बीच पूरा प्रशासन इस दौरान सरकारी निर्देशों के अनुपालन कराने में लगा हुआ है, जिसको लेकर लगातार सड़कों पर जांच अभियान और जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में यातायात पुलिस द्वारा शहर के विभिन्न मार्गों में वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों की जांच की जा रही है। वाहन जांच अभियान का नेतृत्व यातायात पुलिस इंस्पेक्टर प्रेम रंजन उराव ने की। इस दौरान घरों से बेवजह निकलने वाले लोगों को कड़ी फटकार लगाई। इस बाबत पुलिस इंस्पेक्टर प्रेम रंजन उराव ने कहा कि कोरोना संक्रमण को देख सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है, इसके तहत लोगों से बेवजह घरों से ना निकलने की अपील की गई है। सरकारी आदेश का पालन कराने को लेकर यह अभियान चलाया जा रहा है। निरीक्षक यातायात थाना, देखा जा रहा है कि लॉकडाउन के दौरान में जो सुरक्षा सप्ताह COVID-19 को लेकर की जा रही है, इसमें अनावश्यक लोग घूम फिर रहे हैं, फोर व्हीलर में चाहे टू व्हीलर में ऐसे लोगों से पूछताछ की जा रही है कि आप किस कारण से घूम रहे हैं। साथ ही ऐसे मौका का गलत फायदा लोग कुछ क्रिमिनल उठाते हैं जो घूमते फिरते हैं, वैसे लोगों को रोक टोक करने के लिए हम लोग सबको रोक रहे हैं, पूछ रहे हैं, ताकि अनावश्यक लोग ना घूमें, अनावश्यक प्रोसीजर लेके नहीं अभी चले, जो जिनको ज़रूरत है वो जाएँ, लेकिन कुछ अवांछित लोग भी घूमते हैं, वैसे लोग को रोकने के लिए हम लोग यातायात पुलिस अम्बेडकर चौक में ये चेकिंग लगाएँ। धन्यवाद। एक ओर जहां कोरोना महामारी से लोग डरे सहमे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे लोग भी हैं जो लोगों को कोरोना महामारी से बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। इस कड़ी में सिकदारडी पंचायत निवासी JMM युवा मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष महताब मिर्जा ने अपने गांव की समस्याओं को देखते हुए मंगलवार को पूरे सिकदारडी ग्राम के गली गली में घूम कर सैनिटाइजेशन का कार्य करवाया। इस दौरान उन्होंने बताया कि कोरोना जैसी महामारी से लोग काफ़ी परेशान हैं, डरे सहमे हुए हैं, लोग अपने अपने घरों में बंद पड़े हैं। ऐसी स्थिति में अपने ग्रामीणों की हर तरह की मदद, चाहे किसी भी प्रकार की दवाई हो, राशन हो या अन्य जरूरत की सामान हो, ज़रूरतमंदों के घर तक उपलब्ध करवाएंगे, ताकि हमारे गाँव के लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें और हमारा गांव भी इस महामारी से बचा रहे। उन्होंने ग्रामीणों से मास्क लगाना और 2 गज की दूरी के अनुपालन करने का अपील किया। आज सिकदारडी पंचायत में पूरे पंचायत प्रतिनिधि किया गया माननीय विधायक के द्वारा से, क्योंकि विधायक की शुरुआत की थी कि भैया एक गाड़ी में दवा मंगा दीजिए जिससे लेकर करना पंचायत में पूरे, क्योंकि बीमारी के महामारी लेकर फिर से दोबारा कोरोना दूसरा बार रूप ले चुका है। इसके कारण पूरा सिकदारडी पंचायत में आज हर घर हर गली हर जगह जा के मारें और पंचायत वासियों के संदेश दिए कि आप घर से नहीं निकलें, जरूरत तभी घर से निकलें और नहीं तो फिर घर से नहीं निकलें, और मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए, ताकि घर और कोई भी तरह की दिक्कत है तो आप हमसे संपर्क कीजिए, चाहे वो मैंने कोई भी तरह की दिक्कत है, चाहे हॉस्पिटल का दिक्कत है, चाहे तो सैनिटाइजर का दिक्कत, जो भी तरह का मैटर है वो आप हमसे मैंने संपर्क कीजिए, क्योंकि मेरे कार्यकर्ता सरकार मेहनत कर रही कोरोना के ऊपर, विधायक मेहनत कर रहे हैं और जितना भी कार्यकर्ता वो सब मेहनत कर रहे हैं, अपने फील्ड में लगे हुए हैं कि ताकि कैसे इस महामारी से हम बचें और कैसे लोगों को बचाना है। सबसे बड़ा उद्देश्य कि लोगों को बचाना, घर घर जाकर संदेश दें, और अगर कोरोना पॉजिटिव भी अगर आपके पास आ गया तो डरने की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास आ गया तो आप फ़ोन कीजिए, आपके घर में दवा पहुंचेगा, क्योंकि ये प्रयास हम लोग कार्यकर्ता लोग बहुत ध्यान कर रहे हैं और हर जगह मेरे कार्यकर्ता लगा हुआ है, जहाँ भी आपको दिक्कत समस्या समझ में आवे तुरंत कॉल करें और संविधान पर हम लोग तुरंत करने तैयार हो जाएंगे, क्योंकि रात है, इस दिन है, 24 घंटा उपलब्ध है जनता के बीच में हम लोग रहेंगे। धन्यवाद। ग्लोबल कास्ट कॉन्फ्रेंस के तत्वाधान में कोरोना काल के इस संकट की घड़ी में जरूरतमंदों की सेवार्थ हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। निःशुल्क दवाई, सैनिटाइजर, मास्क, खाद्य सामग्री चिन्हित जरूरतमंदों को उपलब्ध कराई जा रही है।
इस बात की जानकारी ग्लोबल कास्ट कॉन्फ्रेंस के प्रदेश सचिव पीयूष सिन्हा ने दिया। उन्होंने कहा कि इस प्राणघातक महामारी के दूसरे चरण के प्रभाव को देखते हुए जरूरतमंद व्यक्ति को दवाई, सैनिटाइजर, मास्क, खाद्य पदार्थ आदि वितरण अपने निजी कोष से कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जहां एक ओर इस महामारी से लड़ने के लिए सक्षम व्यक्ति अपने निजी कोष से यथासंभव एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, वहीं ग्रीडी बरगंडा स्थित वार्ड नंबर 10 में हेमंत पासवान के छोटे भाई कोविड की चपेट में आ जाते हैं और उनके घर को सैनिटाइजेशन करवाने के नाम पर 3,000 रुपए की वसूली की जाती है। उन्होंने कहा कि हेमंत पासवान द्वारा संपर्क किए जाने पर इनके घर को पुनः ग्लोबल कास्ट कॉन्फ्रेंस के बैनर तले निशुल्क सैनिटाइजेशन करवाया गया। कहा कि ऐसी विषम परिस्थिति और आपदा के समय भी कुछ लोग अवसर की तलाश में रहते हैं, जो बिल्कुल ही निंदनीय है। प्राणघातक महामारी के रौद्र रूप को देखते हुए पिछले कई दिनों से ग्लोबल कास्ट कॉन्फ्रेंस निशुल्क दवा, सैनिटाइजर, मास्क, खाद्य पदार्थ आदि जरूरतमंदों को उपलब्ध करा रही है। कुछ दिन पूर्व बरगंडा स्थित वार्ड नंबर 10 के हेमंत पासवान के छोटे भाई कोविड से ग्रसित हो उनके घरों में सैनिटाइजेशन करवाने के लिए 3,000 रुपये की उगाही की गई। ये काफ़ी शर्मनाक बात है। आज उन्होंने हमसे संपर्क किया तो ग्लोबल कास्ट कॉन्फ्रेंस के द्वारा उनके घरों को निःशुल्क सैनिटाइजेशन किया गया। उसके साथ ही शहर के कई जगहों में ग्लोबल कास्ट कॉन्फ्रेंस ने सैनिटाइजेशन करवाने का काम किया। गांवा थाना परिसर में बुधवार को थानाध्यक्ष सूरज कुमार की अध्यक्षता में ईद पर्व मनाने को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के साथ सामाजिक कार्यकर्ता एवं ग्रामीण मौजूद थे। वहीं थानाध्यक्ष सूरज कुमार ने कहा कि कोविड-19 महामारी को देखते हुए ईद पर्व पर सामूहिक नमाज करने से परहेज रहेगा। साथ ही उपस्थित लोगों को बताया गया कि कोविड-19 निर्देशों का पालन करते हुए इस बार लोग अपने अपने घरों में ही नमाज अदा करेंगे, सामूहिक रूप से नमाज नहीं पढ़ा जाएगा। थानाध्यक्ष सूरज कुमार ने जनप्रतिनिधियों से कहा कि अपने अपने क्षेत्र में लोगों को जागरूक करें और सभी को मास्क पहनने व 2 गज की दूरी का पालन करने को बताएं, ताकि कोविड-19 का चैन तोड़ा जा सके। इधर जीप सदस्य इमरान अंसारी एवं विधायक प्रतिनिधि वहाब खान ने लोगों से अपने घरों में नमाज अदा करने व भीड़भाड़ वाली जगह पर जाने से परहेज करने की अपील की। मौके पर पूर्व पीरा प्रधान सफदर अली, गदर प्रधान ब्रह्मदेव मिस्त्री, संसद प्रतिनिधि भगवान दास बर्णवाल, मुखिया प्रतिनिधि दिनेश पांडे, मिराज उद्दीन, मनरेगा बीपीओ निकेश कुमार, भाजपा गांवा मंडल अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद, राजधनवार कांग्रेस प्रभारी मरगूब आलम, मंसूर आलम, हरिहर चौधरी समेत दर्जनों लोग उपस्थित थे। लगभग सभी प्रतिनिधि मौजूद हुए, सभी तरह के लोग आए और सबसे यही आग्रह किया गया कि कोरोना के जो गाइडलाइंस थे उसके अनुसार ही ईद का पर्व मनाएं, घर से ईद का नमाज अदा करें और घर से जाकर मनाएं, मस्जिद जाने की कोई जरूरत नहीं। इससे सब लोग को समझाया भी गया है और सब लोग कहें कि सबका सब सही काम करेंगे। थाना परिसर में थाना प्रभारी द्वारा ईद को लेकर शांति समिति की बैठक बुलाई गई, जिसमें हम लोग प्रखंड के सभी जनप्रतिनिधि, समाजसेवी लोग उपस्थित हुए। साथ ही हम लोग ये भी पहले से एक तो गाइडलाइन जारी किए हुए अपने समाज में कि कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए हम लोग मस्जिद में नमाज नहीं अदा करेंगे, अपने अपने घर में नमाज अदा करेंगे। तो ईद है और ईद को के संदर्भ में कोविड-19 के ध्यान में रखते हुए आज बैठक थाना में थाना प्रभारी के द्वारा रखा गया। बुद्धिजीवी लोग, सारे लोग बुद्धिजीवी और जनप्रतिनिधि लोग थाना में आज उपस्थित हुए और यह लोगों ने आश्वासन दिया है कि कोविड-19 का नियम का पालन करते हुए आने वाला जो ईद त्यौहार है उसको मनाया जाएगा। कम से कम तादाद में
मस्जिद जाएंगे और लोग अपने अपने घर पर ही नमाज अदा करेंगे। ये आज के बैठक में लोगों का थाना प्रभारी का द्वारा जो गाइडलाइन है उसके तहत जानकारी हुआ और उसी जानकारी के तहत अगले साल भी हम लोग ईद मनाए थे, उसी तरह से इस साल भी हम लोग मनाने का प्रयास करेंगे। अपने लोगों के बीच, अपने समाज के लोगों के बीच में भी यह मैसेज हम लोग देंगे कि कम से कम दिल के साथ नमाज अदा करें और लोग अपने घर में ही नमाज अदा करें। आज का ये अंक आपको कैसा लगा, आप अपनी सुझाव व राय इस नंबर पर दे सकते हैं। साथ ही ताजा तरीन खबरों के लिए आप न्यूज़लाइन के वेबसाइट, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर को भी फॉलो कर सकते हैं। अब दीजिए पूरी टीम को इजाज़त। नमस्कार।